जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BMP-2M के बारे में, और हम जानेंगे कि ये जो BMP-2M है ये कितनी घातक है, कैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और इसकी लेथैलिटी को किस प्रकार से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, डिफेंस एक्सपो 2022 जिसका आयोजन 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक किया गया था गांधीनगर गुजरात में, तो उस एग्जीबिशन से पहले कुछ बड़ी तस्वीरें सामने निकल के आई थी और वायु एयरस्पेस रिव्यू के द्वारा एक पिक्चर पोस्ट करी गई थी जो कि BMP की थी, जिसने सबको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित किया था और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोटो थी। और आज उसी फ़ोटो के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार वो फ़ोटो कौन सी थी और उसका BMP से क्या संबंध है और कैसे BMP की जो ताकत है इसको कई गुना ज़्यादा बढ़ाया गया है। जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि अवनि BMP-2 की जो टरेट है उसको काफ़ी बड़े आर्मामेंट अपग्रेड से गुजारा गया है, जहां पर अब इसमें लोटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी प्रदान करी गई है। इसके अलावा ये फिफ्थ जनरेशन की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसल्स हैं इनको भी लॉन्च कर सकती है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। अब अगर हम बात करें BMP-2M की, तो ये एक ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल होने वाली है जो कि BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पर बेस्ड होगी, जिसे रशियन आर्मी में वर्ष 1980 में कमीशन किया गया था, लेकिन लगातार अपग्रेड्स के माध्यम से इनकी जो कॉम्बैट एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया गया है और इनके जो क्रॉस कंट्री स्पीड है उनको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है और भारतीय सेना के लिए इन्हें विशेष रूप से कस्टमाइज भी किया गया है। BMP-2M में किए गए अपग्रेड्स की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ है वो है इसका इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम। जी हाँ, अपग्रेड्स की बात कर ही रहे तो आपको पता होना चाहिए BMP-2M में थर्ड जनरेशन के साइटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गनर और कमांडर्स दोनों के लिए है। इसके अलावा इसमें मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम को फीचर किया गया है, जो कि हर प्रकार के जो वेपन्स हैं उनको लॉन्च करने की कैपेबिलिटी को प्रदान करता है और ऑटोमेटिकली टारगेट ट्रैकिंग में भी वो काफ़ी ज़्यादा सहायता वहाँ पर प्रदान करता है। इसके अलावा ट्रूपर के लिए भी इसमें डिस्प्लेस दी गई हैं, जिससे कि उनकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। अगला जो आपको बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा BMP-2M में, वो है लोटरिंग म्यूनिशन का इंटीग्रेशन। जी हाँ, इसमें लोटरिंग म्यूनिशन भी इंटीग्रेट किया गया है, जो कि है पॉम हीरो 120, जिसको एविशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और ये पिन पॉइंट स्ट्राइक करने में कैपेबल है। यह किसी भी डायरेक्शन और किसी भी एंगल में स्ट्राइक कर सकता है। इस एमिनेशन की सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये एबॉर्ट, री इंगेज और रिकवर की कैपेबिलिटी के साथ में आता है। इसमें एक स्टेबलाइज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट भी हाई रेस प्रेसिजन के साथ ऑपरेट कर सकता है। गौर करने वाली बात एक ये है कि इस लोटरिंग म्यूनिशन में हाई स्पीड ट्रांजिट फ्लाइट और लो स्पीड लोटरिंग की कैपेबिलिटी है। इसमें जो थर्मल और ऑकस्टिक सिग्नेचर है वो काफ़ी कम होते हैं। ये एक कैनिस्टर लॉन्च एम्यूनिशन है जिसका वजन 12 किलो है और इसमें 4.5 किलोग्राम तक के जो वॉरेट्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो इंड्योरेंस टाइम है वो 60 मिनट का है और इसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर की है। अटैक के अलावा इसका इस्तेमाल ISR यानी इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकॉग्निशंस मिशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। अगला जो बड़ा अपग्रेड आपको BMP-2M में देखने को मिलेगा वो होगा फिफ्थ जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन। जी हाँ, अगर हम बात करें इसके सबसे इंपॉर्टेंट वेपन की जो कि BMP-2M में है, तो वो है एक फिफ्थ जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि कोई और नहीं बल्कि स्पाइक LR-2 है, जिसका निर्माण राफेल के द्वारा किया गया है। ये फिफ्थ जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि अपनी स्पाइक सीरीज की दूसरे मिसाइल्स के साथ काफ़ी कॉमनलिटी को शेयर करती है। इसकी रेंज 5.5 किलोमीटर की होती है जब इसे ग्राउंड से लॉन्च किया जाता है, वहीं जब इसे हवा में लॉन्च किया जाता है तो इसकी जो रेंज होती है वो 10 किलोमीटर तक की होती है। ये अपने साथ टैंडम हीट वॉरहेड को कैरी करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक होते हैं। इसके अलावा ये स्मार्ट म्यूनिशन को भी कैरी करने में सक्षम होती है और इसकी जो किल प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे गौर करने वाली बात एक यहाँ पर ये है कि इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अलग अलग जो मोड्स हैं, जैसे कि फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड ऑब्जर्व, फायर टू टारगेट कोऑर्डिनेट, इसमें ऑपरेट किया जा सकता है।
और सबसे खास बात यहाँ पर एक ये भी है कि BMP-2 में जो कंट्रोलर बैठा होता है उसके द्वारा ये मिसाइल रिमोटली कंट्रोल भी करी जा सकती है। ये एक लॉफ्टेड मिसाइल टेरिटरी को फॉलो करती है और इसका जो स्टीप एंगल ऑफ अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा घातक होता है किसी भी आर्मर्ड व्हीकल के लिए। तो ये जो वेपन्स हैं ये BMP-2M की जो अटैक कैपेबिलिटी है इसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म को ऑर्डेंस फैक्ट्री मेदक के द्वारा ऑफर किया गया है जो कि अब आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड का हिस्सा है। यहाँ पर एक और अपग्रेड ऑफर किया गया है जो कि BMP-2 प्लेटफॉर्म पर ही है, जहाँ पर राफेल की जो सैमसन 2 वेपन स्टेशन है जो कि 30mm MK-44 ऑटो कैनन और ट्विन पॉपअप स्पाइक LR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो खास चीज़ है मिसिंग वो है लोटरी म्यूनिशन कैपेबिलिटी। गौर करने वाली बात यह की है कि ये प्लेटफॉर्म जो फायर पावर कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे और ऑफेंसिव रोल में इनका इस्तेमाल काफ़ी आसानी से किया जा सकेगा। इंडियन आर्मी की बात की जाए तो इंडियन आर्मी तकरीबन 1700 इन्फेंट्री व्हीकल्स को ऑपरेट करती है जिनका इस्तेमाल आर्मर्ड एम्बुलेंसेज, एम्फीबियस बुलडोजर्स और इंजीनियर रिकॉर्नेसेंस व्हीकल्स के तौर पर किया जाता है। जबकि इंडियन आर्मी ने एक इंडिजिनस अपग्रेड पैकेज को भी इनिशिएट किया है जहां पर 811 की संख्या में BMP-2 और 2K इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को अपग्रेड किया जाएगा एडवांस सिस्टम्स के साथ, जैसे कि इसमें अत्यधिक पावरफुल इंजन, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी और अलग अलग प्रकार के जो दूसरे एडवांस सिस्टम्स हैं वो इंटीग्रेट किए जाएंगे। और जैसा कि अभी हमने इस वीडियो में BMP-2M के बारे में बात करी है जिसका निर्माण ऑर्डनेंस फैक्ट्री मेदक के द्वारा किया गया है, तो ये इसकी जो लिथैलिटी है और मॉडर्न वॉरफेयर में इसकी जो उपस्थिति है उसको और भी ज़्यादा सुनिश्चित करेगा और आने वाले समय में इससे सेना की ताकत भी कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने बात करी BMP-2, 2M और 2K के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।